भारत को वर्ल्ड कप से ठीक पहले करारी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, राजकोट में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 66 रनों से हरा दिया। हालांकि इस हार के बावजूद टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। इसके साथ बताना चाहूंगा कि पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में खूब रन लुटाए। पहले 10 ओवर में कंगारुओं का स्कोर 1 विकेट पर 90 रन था। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने तेज शुरुआत दिलाई। टॉप 4 बैट्समैन ने 50 जमाई। ओपनर डेविड वार्नर 56, मिचेल मार्श 96, स्टीव स्मिथ 72 और मार्नस लेविसन ने 72 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 352 रन बनाए, जो इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर था। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटके, कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिला। इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या और सुमन गिल की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की बैटिंग कमजोर नजर आई। इंदौर में आतिशी पारी खेलकर प्रभावित करने वाले सूर्य कुमार यादव बड़े ग्राउंड पर फेल हो गए। राहुल सूर्या और जडेजा लोअर ऑर्डर में जिम्मेदारी नहीं समझ सके। कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपन करने उतरे वाशिंगटन सुंदर भी मौके को भुना नहीं सके। 353 रन का टारगेट चेज करने उतरी टीम इंडिया ने लगातार विकेट गंवाए। टॉप ऑर्डर में 70 रन से ज्यादा रन की 2 पार्टनरशिप हुई, लेकिन मिडिल ऑर्डर में साझेदारी नहीं हो पाने से टीम मुकाबला हार गई। लोअर ऑर्डर फेल रहा। टॉप ऑर्डर में रोहित कोहली के अर्धशतक के बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहा। नंबर 4 पर अय्यर ने 48 रन बनाए। शेष 3 बैट्समैन 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सके। केएल राहुल 26 और सूर्य कुमार यादव 8 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। इसके साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चोट से वापसी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन देकर 4 विकेट लिए। यह मैक्सवेल की वनडे कैरियर में बेस्ट गेंदबाजी रही। जॉस हेजलवुड ने 2 विकेट लिए। बचे सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। तीसरे वनडे में नहीं खेलने वाले सुमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्होंने 2 मैचों में 178 रन बनाए। आपको बता दें कि 4 विकेट लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके साथ वीडियो को ऐसे खत्म करते हैं। इसी चैनल के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।